गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप सुन रहे हैं चिड़िया की चहचहाट, नदियों की कलकल आवाज, वो भी सीधे पहाड़ से। तो सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है, मॉर्निंग के करीब हुए हैं 5:40 और सामने वाले पीक में हल्की हल्की बर्फ़ दिखाई दे रही है। नीचे नदी बह रही है जिसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है, साथ में कुछ झरने हैं, इधर भी बह रहे झरने, देखिए ये झरने, तो बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। तो फिलहाल हम लोग हैं रासी विलेज रुद्रप्रयाग। तो हम लोग आए थे, मैं आया था मतलब पहले लखनऊ से ऋषिकेश, फिर ऋषिकेश के बाद हम लोग आए थे ऊखीमठ के बाद हम लोग पहुँचे यहाँ रासी विलेज। तो फिलहाल आज का दिन है, मौसम साथ देगा तो अच्छा है, आधे में बादल हैं, आधे में मौसम अभी खुला हुआ है, तो इतनी जल्दी बारिश होने की पॉसिबिलिटी है नहीं। तो हम लोग को अपना ट्रैक स्टार्ट करना है। अनुराग उठ चुका है, पिंकू और वो लोग नहा रहे हैं, हम लोग नहा चुके हैं, तो अभी हम लोग रेडी हैं, तो उसके बाद सब लोग निकलेंगे। आज बहुत मज़ा आने वाला, तो इसलिए ब्लॉग पूरा देखिएगा। तो हम रुके थे यहाँ भज्जी के यहाँ पे, इनकी यहाँ पर रसोई है और सामने है उनका गेस्ट हाउस। हम लोग रुके हैं यहाँ पे, तो मैं आपको डिटेल यहाँ पर बता देता हूँ। यह है कोमल टूरिस्ट एंड ट्रैकिंग पॉइंट फॉर कंफर्टेबल से ब्रेकफास्ट लंच डिनर। रूम्स यहाँ आपको अवेलेबल हो जाएंगे, बहुत सारे रूम्स हैं और फ़ोन नंबर आप देख सकते हो ये लिखे हुए हैं, मेल आईडी भी लिखी हुई है पूरी की पूरी, तो यहाँ से नंबर नोट कर लीजिए और जब आप मधमेश्वर करने ट्रैक करने के आएंगे तो आप इनको कॉल कर लीजिएगा। तो फिलहाल हम लोग ने नाश्ता कर लिया है, आलू और पूरी खाई थी, अब हम उनको करना है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट करके, नहीं हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब ये लोग गाड़ी में सामान रख रहे हैं, हमने होटल चेकआउट कर दिया। विलेज से हम लोग आए थे यहाँ पर एक शेयरिंग व्हीकल लेके, ठीक है, तो मतलब वहाँ से गाड़ी वहाँ तक करी, जहाँ पर हम रुके थे वहाँ से 2.5 किलोमीटर हमको और आगे आना था, तो वहाँ तक यहाँ तक रोड आती है, तो हम यहाँ पर रोड आ गए। तो हमारे साथ शैडो, पिंकू, प्रवीण त्रिपाठी और ये अपना भाई राजकुमार और अनुराग और ये पीयूष। तो हम सब लोग जा रहे हैं ट्रैक करने के लिए, ऐसा रास्ता है मधमेश्वर जी का जो रास्ता जा रहा है। कल बता रहे हैं कि कल से बहुत सारे लोग आ गए हैं क्योंकि केदारनाथ बंद है, तो लोग इस साइड ज़्यादा आ रहे हैं मधमेश्वर, तुंगनाथ और रुद्रनाथ की ओर को, तो आज यहाँ भी भीड़ ज़्यादा है। तो मोस्टली ऊपर रहने की व्यवस्था क्या है, हमको जगह मिलेगी नहीं मिलेगी रहने के लिए, ये अभी पता नहीं है, ऊपर जाके पता चलेगा। और यहाँ से करीब 18 किलोमीटर का ट्रैक है उसका, जिसमें हमको वो अंकल बता रहे थे कि यहाँ से 4 किलोमीटर सीधा सीधा है, फिर चढ़ाई है, अब जाके देखते हैं कितनी चढ़ाई है और कैसा रास्ता है, पूरा अपडेट पूरे रास्ते पर देते हुए जाएंगे आपको। तो अंकल मिले तो उन्होंने बोला कि भैया ये हमको दे दो। तो यहाँ से मधमेश्वर का पैदल मार्ग है, यहाँ से हमको जाना है बिल्कुल डाउन, देखिए नीचे डाउनवर्ड जाना है, तो ऐसे डाउनवर्ड से है करीब 2-3 किलोमीटर, तो हमको डाउनवर्ड जाएंगे ऐसे। तो आगे एक और डॉगी है, वो बहुत खतरनाक वाला है, वो तिब्बतन मैसेज चीफ है और इसकी लड़ाई ना हो जाए इसलिए मैं आगे आगे चल रहा हूँ और वो पीछे पीछे आ रहा है। तो देखिए करीब 4 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुंच गए नीचे और यहां आके नज़ारा है कुछ ऐसा, देख रहे हो ना आप क्या मस्त नज़ारा है ये है। अभी आगे आके और मज़ा आने वाला है, और वाटरफॉल तो और जगह कुछ बचते ही नहीं है, लेकिन इन वाटरफॉल को देखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मधमेश्वर अभी है 12.5 किलोमीटर और गोंडा जो हमारा पहला वाला स्टॉप रहेगा जहाँ हम चाय पियेंगे वह 2.2 किलोमीटर भी यहाँ से, तो उससे पहले ये आपको मिल जाएगा ये वाटरफॉल। यहाँ पर पानी आ रहा है, नेचुरल पानी है, बहुत मीठा है पीने में, अपने पानी बहुत पी लिया नस्ते बस। और यहाँ पर जो है व्यू वो वाला तो आपको दिल खुश कर देगा आपका नज़ारा, ये देखिए ये देखिए ये देखिए भाई साहब, पूरा पानी जा रहा है सीधे यहाँ पे आंखों पे, ये
पूरे लेंस में ही पानी लग गया, ऐसा हो गया है। देखिए क्या नज़ारा है, देखिए अभी लेंस से पानी और आऊँगा तो आप खाना देखो। करने के बाद हम लोग पहुंचे हैं इस मंदिर पे, देवी धार मंदिर, यहाँ पे जो नाम पे गंडार अभी भी 750 किलोमीटर है, बंतोली 2.25 और नानू 5.750, मधमेश्वर 11 किलोमीटर और अमतोली धार है आपके 3.5 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस अभी हमको और कवर करना है। और यहाँ से जो वैली का नज़ारा है वह है काफ़ी खूबसूरत, ये देखिए यहाँ पे रास्ता बीच में टूट गया था तो यहाँ पे क्लाउड बस्ट हुआ था तो उसकी वजह से यहाँ पे दोबारा नया रास्ता बनाया जा रहा है। फाइनली यहाँ पे है गोंडार गांव, ये पूरा गांव है देखिए, करीब इनको मतलब अगर मार्केट जाना होता होगा तो इनकी मार्केट होता होगा 4 किलोमीटर दूर, तो कितना कष्टों से भरा जीवन है इस गांव वालों का। देखिए यहाँ सब्जी लगी हुई है, ये है बीन्स, इसमें बीन्स लगी हुई ना, तो ये बीन्स यहाँ पे लगी हुई है सब्जी के तौर पे, बीन ही बीन है और ठंडे जगह की जो बीन्स होती हैं काफ़ी अच्छी होती है। सामने तुरई का फिर इसमें तुरई भी लगी होंगी क्योंकि यहाँ पे मैंने बंदर वगैरह देखे नहीं। तो यहाँ पे हम लोग कैलाश टूरिस्ट लॉज में पहुँच गए हैं, यहाँ पे शैडो को दूध मिल जाएगा क्योंकि भैया ने बोला था कि कैलाश टूरिस्ट लॉज में जब जाओगे तो आपको वहाँ पे दूध मिल जाएगा। तो आप अगर ट्रैक करने आते हैं तो आप यहाँ गोंडार में भी रुक सकते हैं, यहाँ भी होम स्टे बहुत सारे हैं, लेकिन आपको 4 किलोमीटर पहले यहाँ पहले आना पड़ेगा, फिर आपका मधमेश्वर का जो ट्रैक है वो 10 किलोमीटर बचेगा। अब एक दिन में हम लोग सीधे 18 किलोमीटर पूरा कर रहे हैं तो हमें मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो मिला दूध इसको बाबू को, बाबू बड़ा लगा रहा ना, तो ये वाला जो रास्ता था, ये जो पुल था, ये पुल पूरा बह गया था, उसकी जगह पे अभी नया पुल बनाया गया हुआ है। तो शैडो देखो पूरी ताकत से मेरे को खींच रहा अपनी ओर, ये तो ये वाला जो अभी रास्ता में पुल बनाया है ये करीब एक हफ्ते पहले बन के तैयार हुआ है, लकड़ी वाला पुल है, तो उसको क्रॉस करके हम लोग जाएंगे। शैडो को पुल पार करने की बहुत जल्दी है, तो ऐसा कुछ है। देखो यहाँ पर नदी बहुत नंगे थी, सबसे लोग एयर लिफ्ट किए गए थे, तो ऐसा कुछ है पुल में जाने का मज़ा। शैडो भी जा रहा है और हम भी जा रहे हैं, यह है कहानी। की है वो की है करीब आपका 6 या 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अभी मधमेश्वर और बचा हुआ है, 18 किलोमीटर ट्रैक है वो उधर एक गांव है, इधर बंतोली गांव है और वहां से हमने रांची से यात्रा स्टार्ट की थी। अभी यहां से चढ़ाई स्टार्ट हुई है लास्ट से, तो यहां से थोड़ा चलना टफ हो रहा है, साथ में कुछ तिब्बतन में से चीफ डॉग हैं वो भी साथ में चल रहे हैं, तो इसलिए शैडो चल रहा है बहुत आगे और हालत थकी ख़राब ही है क्योंकि बहुत बहुत दिन बाद ट्रैक कर रहे हैं तो सांस फूल ली है। धीरे धीरे से ऊपर बढ़ते रहेंगे, सांस और ज़्यादा फूलती रहेगी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी हाइट के हिसाब से, लेकिन फिलहाल सामने ग्रीनरी बहुत है और पेड़ बहुत प्यारे प्यारे हैं, तो अभी ऑक्सीजन की कोई कमी होने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी चलो हम लोग चल रहे हैं।
ये काफ़ी अच्छा है। नीचे नदी कुछ ऐसे बह रही है। तो अभी हम पहुँचे हैं खटडरा गांव में। नानी यहाँ से 1.75 किलोमीटर है, मैखम्बा 3.375, कूम 4.6, मधमेह से 7.3 किलोमीटर है, गोंडा डार जहाँ नीचे हम आए थे 3 किलोमीटर है, अगोली तार अगतोली धार है 7.25 किलोमीटर। तो इतना अभी हमको डिस्टेंस तय करना है। वो टॉप आप देख रहे हैं, उस टॉप पे हमको पहुँचना है, उस टॉप में पूरा पहुँचना है। तो कुछ देर यहाँ रेस्ट करते हैं, पानी पीते हैं। भाई लोग यहीं बैठे हुए हैं, मज़े ले रहे हैं। तो इस रास्ते में पूरा हमने जितने गांव देखे उन सब में ये राजमा लग रही है। देखें आप, ये राजमा के पूरी बेल्स हैं। यहाँ पर मोस्टली रेड कलर की राजमा होती है और आपकी जो राजमा होती है वो होती है वाइट कलर की। तो ये है आपकी ककड़ी की बेल, जैसे हम लोग खीरा बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो है साइज उसका काफ़ी बड़ा रहेगा। अब ये छोटा सा है बस, अगर आपको बड़ा देखना है तो वो उस पेड़ के डाल के पीछे है, वो ककड़ी बहुत बढ़िया है। और ये आपका मिर्ची के नमक के साथ, हरी मिर्ची के नमक के साथ से खाने में आता है काफ़ी मज़ा। तो नीचे को आते तो खाएंगे ककड़ी यहाँ पे। तो अनुराग कैसा लग रहा ट्रैक में आके? बहुत अच्छा लग रहा है सर, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है ये नज़ारे देखने में। 13 सबसे बड़ा ट्रैक हो जाएगा ना आज, ये अनुराग का सबसे बड़ा ट्रैक हो जाएगा ये वाला। क्या खूबसूरत रास्ता है ये, लेकिन चढ़ाई चढ़ते 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 नीचे से गोल 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 घूमते घूमते अपनी हालत होगी ख़राब। लेकिन आज लग रहा है कि मतलब जब से लखनऊ में रहने के लिए आया तब से बॉडी मतलब पहाड़ के अनुकूल नहीं हो पा रही है, कि हर महीने ट्रैक करना पड़ेगा तब जाके वापस इस मोड पर आएगी। थोड़ा वेट भी बढ़ गया, उसकी वजह से भी लग रहा होगा, अपना वजन ही आदमी नहीं लेके पा रहा। तो फिलहाल हमने छाता का इस्तेमाल किया है टैनिंग से बचने के लिए, मैंने छाता ओढ़ ली धूप से बचने के, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है अभी ट्रैक में। वैसे अलर्ट था आज, ऑरेंज अलर्ट बहुत तेज़ बारिश का, लेकिन क्या पता शाम तक बारिश हो जाए, ये सामने बादल आ रहे हैं मे बी। प्रकृति का आनंद लेते हुए नहीं चल रहे हैं, तेज चल रहे हैं और हर जगह आधे घंटे का रेस्ट मार लेने पहले जाके, है ना। अपनी तो हालत ख़राब है। तो फिलहाल पहुँचे हैं नानू में, नानू में थोड़ा सस्ता लेते हैं, उसके बाद सुबह हम एक लेके चले थे, अब चार हो गए हैं। देखो अभी इनकी मित्रता हो गई आपस में, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, क्यों शांति है। यह है मैखम्बा, यहाँ से कून चट्टी 1.3 किलोमीटर है, मधमेसर 4 किलोमीटर, गोंडा नीचे को 6.3 किलोमीटर, अगतोली धार यहाँ से 10.6 किलोमीटर अगतोली धार। तो चलो ये नीचे वाले जो इंडिकेशन है वापस जाने वाले हैं, ऊपर वाले हमारे मधमेसर की ओर। तो भाई हम लोग बैठे हैं एक बेहतरीन लोकेशन में, देखिए सामने का नज़ारा, देखो इन्होंने खाना भी सुतान स्टार्ट कर दिया है। तो ये हमारा चौसा भात आ गया, दाल अम्मा है, ये अम्मा बना रही है चौसा भात मस्त करके, कद्दू की सब्जी बनाई है, कद्दू की सब्जी भी देगी, साथ साथ में इनके खेत का ही कद्दू था, पहाड़ी चौसा। आने से पहले स्वर्ग देखने की इच्छा हो तो मधमेश्वर धाम चले आना, हर हर महादेव। हर महादेव बहुत ब्यूटीफुल कोट लिखा हुआ है, और नीचे सामने वाले पहाड़ पे बारिश हो रही है, अभी यहाँ नहीं हो रही है, सामने मतलब उस साइड तुंगनाथ है। तो हमारा जिस पहाड़ पे चल रहे इसके वन साइड में केदारनाथ है, जिसमें हम चल रहे मधमेश्वर है, इधर तुंगनाथ है, उसके अगले वाले पहाड़ पे आपको मिलेगा रुद्रनाथ, उसके अगले वाले पे कल्पेश्वर। तो एक एक पहाड़ के बीच में से है ऐसे। तो देखिए वो सामने
जो आपको धुंध टाइप की दिख रही है ना, वो है बहुत भयंकर बारिश। तो धीरे धीरे यहाँ भी मौसम चेंज हो रहा है। अभी दिन के करीब बजे हैं 3 और हम लोग जहाँ पर खाना खाने रुके थे तो हम वहाँ पर पहुँचे थे 2:45 बजे। 2:45 बजे के जूते उतारे, एक पावर नैप ली मैंने 2:15 तक, तब तक आंटी ने बना के रखा था चौथा भात और कद्दू की सब्जी, वो खाई। उसके बाद वापस मंदिर की ओर, 4 किलोमीटर वहाँ से ट्रैक बचा हुआ है, तो सब लोग बोल रहे हैं चढ़ाई काफ़ी है, तो 2.5 घंटा लगेगा, यानी कि 5:00 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे मंदिर पर। अभी वहाँ रहने की क्या व्यवस्था है ये अपन को कुछ पता नहीं, तो वो वहीं आके देखेंगे कि कैसे वहाँ होटल मिलते हैं, क्या क्या फैसिलिटी मंदिर में है अवेलेबल। अभी भी मधमेश्वर 2.5 किलोमीटर है ऊपर की ओर को, बाकी सब नीचे की ओर को है। यहाँ पे नल में पानी का प्रेशर भयंकर है, इसे क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। देखते हैं इसको बंद करने का कुछ जुगाड़, कैसे ये बंद हो जाए। बहुत बेहतरीन, यहाँ से कोहरा बिल्कुल ऊपर की ओर को आ रहा है और बादल से ऊपर हम लोग चल रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। अभी बारिश थोड़ी रुक गई है, उस साइड बिजली कड़कड़ा रही है तो थोड़ा आवाज़ बहुत तेज इधर तक आ रही है। तो फाइनली हम लोग टॉप पे पहुंच गए। अभी हमको एक भाई साहब मिले थे, उन्होंने बोला कि अब यहाँ से आपको ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा रास्ता है। तो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते क्या हो रहा कि 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर का अभी लग रहा है आज, ऐसा हो रहा है। या बॉडी में एनर्जी नहीं रही या शरीर का वजन बढ़ गया है जो कम करना है। 10 किलो भी कम करेंगे तो फिर आसानी रहेगी आगे के लिए, क्योंकि वो बहुत चुस्त फुरुस्त थे और दुबले पतले। सुबह चले थे और दर्शन करके वापस हम जा रहे नीचे, बोले जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ रुकेंगे। तो मोस्टली मतलब 10 किलोमीटर नीचे पहुँच जाएंगे आराम से, क्योंकि अभी करीब 4:30 बजा हुआ है। तो हम लोग भी 7:30 बजे निकले हुए थे वहाँ से, तो हमको भी करीब ऑलमोस्ट 10 घंटा लग गया है पहुँचने में। अभी यहाँ पर लिखा है मधमेश्वर 550 मीटर। अभी क्या होता है कि यहाँ से क्या है ना, सिर्फ 550 मीटर का ही बता रहे हैं दूरी, अब किलोमीटर नहीं है, अब मीटर है बची हुई यहाँ से। एट लास्ट फाइनली वी आर एट मधमेश्वर टेम्पल। तो यहाँ पर का नज़ारा है कुछ ऐसा, देखते हैं यहाँ होटल सारे सारे बने हुए हैं। मधमेश्वर धाम एवं गौंडहारी हक हक्कूधारी समस्त श्रद्धालुओं का धाम है बताने पर स्वागत है, अभिनंदन करता है। तो सामने अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं, सामने बहुत सारे होटल्स हैं, तो यहीं हम रूम लेंगे। तो ये लोग तो इसी के अंदर घुसे हैं, तो मतलब इन्होंने रूम यहाँ ले लिया है श्री मधमेश्वर होटल में। मंदिर बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है हम लोग को, बिल्कुल इस इन दोनों के बीच से। तो वहाँ हम जाएंगे शाम को, फिलहाल होटल का रूम देते, होटल क्या मतलब यहाँ काम चलाऊ रहने के लिए व्यवस्था है पूरी। तो हम लोग यहाँ रुके हैं श्री मधमेश्वर होटल, फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो जैसे ही शाम के 7 बजते हैं थोड़ा अंधेरा हो जाता है, तो भगवान जी की आरती होती है शाम के टाइम में 7 बजे। तो हम लोग अभी की आरती देखेंगे, मॉर्निंग की भी हम लोग को देखेंगे, सौभाग्य मिल जाएगा। ये अभी नज़ारा ऐसा कुछ है, थोड़े बादल छट गए हैं, तो ऊपर है मतलब बूढ़ा मधमेश्वर, तो वहाँ से चौखंबा पीक का नज़ारा भी देखने को मिलता है। अभी मौसम हो गया ठंडा, तो मैं ठंडी की वजह से कांप रहा हूँ, जैकेट पहनी है ना फिर भी। तो आरती स्टार्ट होगी है, तो हम जा रहे हैं आरती देखने के लिए। प्रतिष्ठ जीरा जेष्ठ